बेगमगंज से हमारे संवाददाता भरत सिंह की रिपोर्ट। सांसद विधायक ने पदयात्रा करके की सभा, सौंपा मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्री के नाम ज्ञापन। बेगमगंज क्षेत्रीय सांसद रमाकांत भार्गव चुनाव जीतने के बाद पहली बार क्षेत्र के दौरे पर आए। सर्वप्रथम वे तुलसीपार पहुंचे और फसल खराब होने के कारण फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान देने वाले किसान के घर पहुंचे और परिजनों को संतावना दी। तत्पश्चात लोहा मिल तगड्डा पर पहुंचे, उनके साथ विधायक ठाकुर रामपाल सिंह भी आज यहां पर थे। कार्यकर्ताओं ने फूल माला से स्वागत किया और आंदोलन का संकेत करते हुए पद यात्रा शुरू की। जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद व विधायक का फूल मालाओं से स्वागत किया। बस स्टैंड पहुंचते ही आतिशबाजी कर आगबानी की और यहां पर पूजा अर्चना उपरांत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत उनके चित्र पर भी माल्यार्पण किया और विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए क्षेत्र के किसानों को बर्बाद फसल के मुआवजे आदि के लिए बराबर संघर्ष करने का यकीन दिलाते रहे और कहा कि हमने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आज से आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 21 अक्टूबर को आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आगे बढ़ाकर यह बता दिया है कि किसान विरोधी सरकार है, किसानों की कोई समस्या नहीं सुनी जाएगी, ऐसी सरकार को हम जड़ से उखाड़ कर फेंकना। सोयाबीन सब्जी है, सब फसलें चौपट हो गई है और पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा है। 15 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था, जिले की मीटिंग में भी हमने ज्ञापन दिया था कि सर्वे किया जाए क्षेत्र की फसल की फसलों का। पूरा सर्वे भी नहीं किया गया, राहत राशि भी एक पैसा नहीं दिया गया और बड़ा क्षेत्र में किसान क्षेत्र का आंदोलन बहुत गुस्से में पूरा किसान है। आज किसान काफ़ी संख्या में किसान अन्नदाता एकत्रित हुए और अपनी बात शासन के सामने रखी है। आज प्रभारी मंत्री जी आने वाले थे लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि किसान अन्नदाता इकट्ठे हो रहे हैं बेगमगंज के अंदर, तो उन्होंने कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। सागर देवरी से हमारे संवाददाता त्रिवेंद्रम जाट की रिपोर्ट। खुले आम होता है पंचायत के कार्यों में भ्रष्टाचार। देवरी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत सिलारी, जो कि जनपद पंचायत से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर है, यहां पर सचिव सरपंच की मनमानी के कारण यहाँ पर सरपंच अनियमितताओं का गढ़ बना चुकी है। लोगों की समस्या का समाधान बरसों से नहीं हो रहा है। ग्राम के लोगों के द्वारा बताया गया है कि जो ओमकार लोधी के यहाँ से संतोष चौबे के यहाँ तक करीब 7 लाख की लागत से पुराना कारण के कारण सड़क निर्माण की गई है, उसमें शुरुआत में करीब 100 से 150 फीट तक की सड़क मात्र 2 से 3 इंच मोटाई में ढाल दी गई है। ग्राम में करीब 4 से 5 मीटर है जो कि ट्यूबवेल में लगातार ग्रामीणों को पानी का सुविधा के लिए वंचित हैं। वहीं सभी मोटर सरपंच और सचिव घर पर निजी उपयोग में लाई जा रही है, जबकि ग्रामीणों ने पानी की परेशानी के कारण करीब 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। ग्राम में पीएम आवास स्वीकृत कराने के नाम पर सचिव द्वारा प्रेम यादव से 15,000 की रिश्वत मांगी और सील रानी आदिवासी से 1-1,000 लिए। बहुत से लोगों से वसूली की गई है। ग्राम पंचायत में खेमचंद पटेल व अन्य लोगों की कुटी की मजदूरी राशि खाते में नहीं आई है।